हेलो बच्चों, मैं नेहा सन फिर से हाजिर हूँ आपके लिए लेकर के कक्षा 12 की पुस्तक सृजन का पाठ 4। इससे पहले हम संतवाणी पढ़ चुके हैं, सूरदास पढ़ चुके हैं और रहीमदास जी के दोहों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो चौथा पाठ हमारा आता है बिहारी दास जी के कुछ नीति के और सॉरी बिहारी सत्सई के कुछ पद। ठीक है, तो बिहारी जी के बारे में हम पहले जान लेते हैं, उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। उनका जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर के बसुआ नामक गाँव में हुआ था और इनके पिता का नाम केशव राय था। ये रीति काल के महान कवि थे। बच्चों, रीति काल मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है उसमें संवत 1700 से संवत 1900 तक का जो काल है वो रीति काल कहलाता है। और रीति काल के अंदर केशव राय है, केशव दास जी हैं, चिंतामणि त्रिपाठी है, मतीराम है, भूषण है, बिहारी दास जी जो है वो श्रेष्ठ कवियों में माने जाते हैं। बिहारी दास जी को गागर में सागर भरने वाला कवि माना जाता है, अर्थात छोटे छोटे दोहों से या छोटे छोटे उनके पदों से उन्होंने इतना अधिक कार्य कराया या इतना अधिक अपना जो सौंदर्य दिखाया है, अपनी आचार्यत्व का प्रदर्शन उन्होंने इतना अच्छा किया है कि हिंदी साहित्य में एक अनूठी देन मानी गई है उनकी जो पद है उनको। ठीक है, उन्होंने आमेर की राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्प वयस्का रानी के मोहपाश में राज कर्तव्य भूले राजा को एक दोहे के द्वारा सावचेत किया। बच्चों, आपके जयपुर के जो राजा थे मिर्जा मिर्जा जयसिंह जी, ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह जी, आपने साहित्य इतिहास में भी उनके बारे में पढ़ा होगा। कहा जाता है कि जब उनका विवाह हुआ था उस समय उनकी वो भोग विलास में इतने लिप्त हो गए थे कि उन्हें अपनी प्रजा का कुछ भी ध्यान नहीं रहा था। वो मतलब जनता से मिलते नहीं थे, ना राजकाज में इतनी दिलचस्पी लेते थे, रुचि लेते थे। उस समय बिहारी दास जी ने उनको दोहा लिख के भेजा था। बिहारी दास जी ने दोहा लिख के भेजा था इनके पास में कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। अर्थात हे राजा, कि जिस कली के पाश में आप बंधे हुए, एक भौरे को संबोधित करते हुए लिखा था कि हे भौरे, जिस कली के पाश में तुम बंधे हो वो कली अभी विकसित नहीं है। जब वो कली कली है अभी, जब वो फूल बन जाएगी तब आपको कितना मोह होगा। अर्थात अभी आप तो कली होने पर ही उसके मोह में इतने बंधे हुए हैं, आप इतने लिप्त हैं उसके अंदर। जब वो फूल बन जाएगी, जब वो विकसित हो जाएगी, तब तो उसका भगवान ही हवाले है, ये राजकाज कौन संभालेगा और कैसे क्या होगा। उस दोहे को पढ़ करके मिर्जा राजा जयसिंह जो है वो शर्मिंदा होते हैं और वापस से राजकाज संभालते हैं और अपनी प्रजा का पालन पोषण करते हैं, राज्य के विस्तार को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये उसके बारे में बताया है। काव्य पारखी राजा ने उनका सम्मान किया, वह अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान उनको दिया था बिहारी दास जी को। ठीक है, बिहारी ने सत्सई की रचना की। बच्चों, सत्सई सत्सई के अंदर 700 दोहों से ऊपर होते हैं, तो इसके अंदर इनके 713 दोहे हैं। उन 713 दोहों को सम्मिलित करके बिहारी सत्सई नामक इनकी रचना है। ठीक है, कवि ने भक्ति नीति श्रृंगार प्रकृति चित्रण ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की। अक्षय कीर्ति मतलब उन्होंने, उनका नाम अमर हो गया हिंदी साहित्य के अंदर। वे निंबार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा राधा कृष्ण की भक्ति की। बच्चों, अलग अलग संप्रदाय, अगर आप डीपली जाते हैं, अगर गहराई से जाते हैं साहित्य के अंदर, हिंदी साहित्य के अंदर, तो आपको पता पड़ता है कि बहुत सारे संप्रदाय हुए थे हमारे हिंदू धर्म के अंदर, वैष्णव धर्म के अंदर। जैसे वल्लभ संप्रदाय है, ठीक है, निम्बार्क संप्रदाय है, चैतन्य महाप्रभु जी है, मतलब अलग अलग रामानुज जी है, और ये जितने भी हमारे भारत के अंदर संत आए थे उन संतों ने अलग अलग संप्रदाय चलाए थे। ठीक है, तो ऐसे ही निम्बार्काचार्य जी थे, उन्होंने निम्बार्क संप्रदाय चलाया था और उसी संप्रदाय के अंदर ये बिहारी दास जी दीक्षित हुए थे और ये राधा और कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे। उनकी रचनाओं में उक्ति वैचित्र्य है, अन्योक्ति, अर्थ गांभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिता तथा कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है कि सत्सैया के दोहे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अर्थात सत्सई के दोहे, यानी बिहारी दास जी की जो सत्सई है उसके जो दोहे हैं वो देखने में तो छोटे हैं लेकिन वो इतने महत्व की बात रखते हैं या इतना अच्छा वर्णन करते हैं या किसी भी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं, जैसे नाविक के तीर हो। ठीक है, अब जो पाठ आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, इस पाठ में बिहारी के भक्ति नीति एवं श्रृंगार
के दोहे लिए गए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी की आराधना करता है और दूसरी तरफ अपने प्रभु कृष्ण को उपालम्ब भी देता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है और आप मेरी सुध नहीं लेते हो। मुक्त आत्माओं के सानिध्य से अधम भी मुक्त हो जाता है, अर्थात अच्छे व्यक्तियों की संगति लेते हैं। मुक्त आत्माओं यानी जो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी आत्माओं की अगर संगति लेते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, तो आप अधम से मुक्त हो जाते हैं। अधम यानी अधर्म से मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती हैं। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। नायक वे नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं। झीने वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाल। ठीक है, तो ये आपके पाठ का परिचय हो गया। अब हम इनके दोहे देखते हैं। पहले दोहे के अंदर बिहारी दास जी ने राधा जी की प्रार्थना करी है, राधा जी से प्रार्थना करी है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरद दुति हुई। यहाँ पर राधा जी से प्रार्थना कर रहे बिहारी दास जी कि हे राधा जी, आप मेरी सांसारिक पीड़ाओं को दूर करो, मेरी भव बाधाओं को दूर कीजिए। वही राधा जी जिनकी तन की छाया पड़ने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण की हरित गति हो जाती है, अर्थात राधा जी के गौर वर्ण की आभा, गोरे रंग की पीली आभा पड़ने के कारण कृष्ण भगवान का जो श्याम शरीर है वो कैसा हो जाता है, हरा हो जाता है। ठीक है बच्चों, नीले रंग में जब आप पीला कलर मिलाते हो तो हरा कलर हो जाता है, हरा रंग हो जाता है। तो यहाँ पर राधा जी के पीले वर्ण का यानी राधा जी के गोरे वर्ण की जब छाया कृष्ण जी के सांवले शरीर पर पड़ती है तो हरे रंग का अनुमत हरे रंग की अनुभव होता है, यहाँ पे हरे रंग सा प्रतीत होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर इसलिए कहा है कि वे राधा जी जिनकी छाया मात्र पड़ने से भगवान श्री कृष्ण की छाया हरी हो जाती है, ऐसी राधा जी मेरी समस्त सांसारिक पीड़ाओं को दूर करें, उनको हरे। तोपर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। अब बच्चों आपको यहाँ पर इस दोहे के अंदर एक ही शब्द 3 बार दिख रहा है, कौन कौन सा? उर्वशी, उर्वशी और उर्वशी। जहां पर समान शब्दों की आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? जहां पर समान शब्दों की आवृत्ति होती है वहां पर बहुत सारे अलंकार हैं जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कौन कौन से हैं। देखो सुनो ध्यान से, श्लेष अलंकार शब्द एक होता है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां होता है श्लेष अलंकार। अर्थ शब्द एक, अर्थ अनेक, अलंकार श्लेष। जहां पर शब्द सेम होते हैं लेकिन अलग अलग दिए हुए होते हैं और उनका अर्थ भी अलग अलग होता है वहां पर यमक अलंकार होता है। जहां पर शब्द समान है उनका अर्थ भी समान है वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द अलग अलग दिए हुए हैं आपको और सभी शब्दों के अर्थ अलग अलग है तो यहाँ पर यमक अलंकार है। कैसे? तो पर वारो उर्वशी, यहाँ पहले उर्वशी का मतलब है उर्वशी नामक अप्सरा। ठीक है, तू मोहन के उर्वशी, यहाँ पर उर्वशी का मतलब है हृदय में बसी हुई, और यहाँ पर उर्वशी का समान क्या है कि मुरली के समान वो बसी हुई है। देखते हैं, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, एक सखी अपनी नायिक अपनी जो नायिका है जो सखी है राधा जी उनसे कह रही है कि तुम तो उर्वशी के सम तुम पर तो उर्वशी भी न्योछावर की जा सकती है, यानी तुम इतनी सुंदर हो, तुम में इतना सौंदर्य, तुम इतनी आकर्षक हो, इतनी शोभा पाने वाली हो कि तुम्हारे ऊपर तो स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी न्योछावर किया जा सकता है। हे राधिका सुनो, तुम तो मोहन के हृदय में बसी हुई हो और वो तुम जो हो मोहन के हृदय में हमेशा निवास करोगी। ठीक है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है और हर उर्वशी का अलग अलग अर्थ है। नेक्स्ट है, बंधु भये का दीन के को तार्यो रघुराई। अब यहाँ पर भगवान को उलाहना दे रहे हैं, उपालम्ब दे रहे हैं, कौन? बिहारी दास जी कह रहे हैं कि बंधु भये का दीन के को तार्यो रघुराई, कि तुम्हें बंधु किस दीनों का बंधु तुम्हें बना किसने दिया, तुमने किसको तारा, जो दीन थे उसको तारा। अच्छा, को तार्यो रघुराई, तुमने किस किस को तार दिया? रघुराई यानी भगवान राम।
तूठे फिरत हो झूठे बिरध काहे, कि आप तो झूठे ही यश प्राप्त कर रहे हो, आप तो झूठे ही बड़ाई पा रहे हो। क्यों? क्योंकि इस संसार में बहुत सारे दुखी इंसान हैं, और दुखी और दीनों में मैं भी एक हूं, लेकिन आपने मेरे दुख को अभी तक दूर नहीं किया, इसलिए आप व्यर्थ में प्रशंसा पा रहे हो कि आप दीनों के दुख को हरने वाले हो, उनकी पीड़ाओं को दूर करने वाले हो, इसलिए आप तो व्यर्थ में यश प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि आपने अभी तक मेरी पीड़ा को दूर नहीं किया, मेरे दर्द को दूर नहीं किया है। कब को टेर तू दीन रटा होत न श्याम सहाय, तुम्हाऊ लागी जगत गुरु जग नायक जग भाई। अब यहाँ पर भी उपालम्ब दे रहे हैं, यहाँ पर भी उलाहना कर रहे हैं बिहारीदास जी। वो कह रहे हैं कि मैं कब से तेर तू दिन रहे, कि मैं कब से आपको पुकार रहा हूं, मैं कब से आपका नाम जप रहा हूं, आपका स्मरण कर रहा हूं, होत न श्याम सहाय, लेकिन फिर भी कृष्ण हमारे सहायक नहीं हुए, फिर भी श्याम ने हमारी सहायता नहीं की। तुम्हें लाग जगत गुरु, ऐसा लगता है जगत के गुरु, ऐसा लगता है स्वामी कि आपको भी इस संसार की हवा लग गई है, और आपको भी संसार की हवा लग गई से तात्पर्य यहाँ पे क्या है कि आपने भी दूसरों की ना सुनने की मन में ठान ली है, कि आप भी दूसरों की बात नहीं सुनेंगे, ऐसा आपने मन में निश्चय कर लिया है, और इसीलिए आप मेरी जो बाधाएं उनको दूर नहीं कर रहे हो। यहाँ पे जगनाई का मतलब क्या है? जगत की, संसार की। नेक्स्ट है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। अब यहाँ पर बच्चों विरोधाभास अलंकार है, कैसे है देखते हैं, कि ये अनुरागी मन यानी विषय वासनाओं में लिप्त रहने वाला मन जो है, या इच्छाओं को जो जिसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती है, ऐसे अनुरागी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। क्यों? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ये जैसे जैसे भगवान श्याम के प्रेम रंग में डूबता है, उनकी भक्ति में डूबता है, वैसे वैसे उज्जवल होता है, वैसे वैसे ये उज्जवल होता जाता है। अर्थात यहाँ पर बच्चों एक तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश क्यों है? ज्यों ज्यों समान शब्द की आवृत्ति हो रही है और दोनों का अर्थ एक है, त्यों त्यों वैसे वैसे, तो यहाँ पर भी शब्द भी समान है और उनका अर्थ भी समान है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई चीज कोई वस्तु डूबती है। अब यहाँ पर श्याम रंग है, श्याम रंग यानी काला रंग, काले रंग में अगर आप किसी वस्तु को डुबोते हो तो वो काली ही निकलती है, सफेद नहीं निकलती है। तो यहाँ पर विरोध उत्पन्न हुआ है कि श्याम रंग में डूबने पर वस्तु उज्जवल होती है, प्रकाशमान होती है, सफेद होती है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। और यहाँ पर दूसरा अर्थ ये लिया गया है कि श्याम की भक्ति में डूबने पर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है, वो उज्जवल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भजन कहियो ताते भज्यो, भज्यो ना एक बार, दूरी भजन जाते कहो सोते भजो कवार। अब यहाँ पर ये उस व्यक्ति को कह रहा है जिस व्यक्ति को जब भजन करने के लिए कहा गया, अर्थात जब हरि स्मरण के लिए कहा गया, तब तो वो दूर भागा। अब बच्चों यहाँ पर भी देखो, एक दो और तीन, तीन भजो शब्द आए। ठीक है, भजन कहो ताते भजो, कि जिसको भजने के लिए कहा था, यहाँ पर पहला अर्थ है भजने के लिए, भजे ना एको बार, उसका एक बार भी स्मरण नहीं किया, उससे दूर भागता रहा, दूरी भजन जाते गए, और जिससे दूर रहने के लिए कहा सोते भजो गवार, तू उसी के पीछे पड़ा रहा। अर्थात जिस चीज से दूर रहने के लिए हमें कहा जाता है, उस चीज को जानबूझ के हम उसके पास जाते हैं, और जिस चीज का हमें पास जाने के लिए बोला जाता है, उसे उसे हम दूर रहते हैं। तो यहाँ पर यही कहा है कि भगवान का नाम का स्मरण करने के लिए जब आपको कहा गया, तब तो आप उससे दूर भागे, उससे दूरी बनाए रखी, और जब आपको बुरी चीजों से दूर रहने के लिए कहा गया तो उसके पास आप दौड़ करके जाते हो। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी संगति व्यक्ति को आराम से नहीं मिलती है, लेकिन बुरी संगति में वो जल्दी पड़ जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है कि जब भजन करने के लिए कहा गया व्यक्ति को, तब तो उसने भजन नहीं किया, उससे दूरी बनाए रखी, और जिस चीज से दूर रहने के लिए कहा वो उसकी ओर दौड़ा दौड़ा जाता है, उसकी ओर आकर्षित होता है। अजो तरो ना ही रहो श्रुति सेवक इज रंग, नाक वास बेसरी लयो बसी मुख तन के संग। यहां पर कवि ने अपने चमत्कार का, अलंकारों का बहुत अच्छा वर्णन किया। बच्चों देखो कैसे, यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके बहुत सारे अर्थ हैं। पहला तो है ये तरुणा, दूसरा है श्रुति, तीसरा है नाक और मुक्तन। अब यहाँ पर तरुणा के दो अर्थ हैं, एक तो जो तर नहीं पाता है वो,
अरे कान का आभूषण होता है जिसे तरोना कहा जाता है, ठीक है। श्रुति का मतलब होता है सुनना, और एक होता है वेद, वेदों को भी श्रुति कहा जाता है, ठीक है। नाक, नाक का अर्थ होता है एक आपका ये अंग, शारीरिक अंग, और एक नाक का मतलब होता है स्वर्ग। मुकुटन का मतलब एक तो होता है मुक्ति होना और एक होता है मोक्ष प्राप्त होना, ठीक है। देखते हैं कैसे। अजो तरयो ना ही रहे हो श्रुति सेवत इक रंग। भगवान के कान के आभूषण को संबोधित करते हुए कवि यहाँ पे कह रहा है। बच्चों दो अर्थ हैं इसके दोहे के, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले एक बता देती हूँ फिर दूसरा बताऊंगी। पहले पद में जो कवि है वो ये बताना चाह रहे हैं कि हे कान के आभूषण, तू भगवान के कान में शोभित हो रहा है, लेकिन तू कान में शोभित रहने के बाद भी भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया। तुम उस स्थान को प्राप्त नहीं कर पाए जो स्थान नाक में वास करने वाली बेसरी, बेसरी कहते हैं नाक के जो आभूषण होता है उसे, उस नाक के आभूषण ने मोतियों का साथ पा करके नाक जैसा उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। बच्चों नाक जो होती है हमारी प्रतिष्ठा की निशानी होती है, इज्जत की निशानी होती है, ठीक है। तो इस नाक में वास करने पर उसको उच्च स्थान प्राप्त हो गया, ठीक है। लेकिन तूने कान का आभूषण होकर के भगवान के मोह को प्राप्त नहीं करवाया, भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया तू, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे अर्थ में क्या है, दूसरे अर्थ में यह है जो व्यक्ति सगुण व्यक्ति होते हैं, यानी जो भगवान की उपासना करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, पुराणों का अध्ययन करते हैं, उन व्यक्तियों के लिए कहा है कि तूने अपने जीवन मात्र में श्रुति सेवत यानी वेदों का अध्ययन करा, और वेदों का अध्ययन करने के बाद भी तू तर नहीं पाया अर्थात मुक्त नहीं हो पाया। नाकवास बेसरी ले हो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मुक्त आत्माओं, मुक्तन यानी मुक्त आत्माओं के साथ रह करके, अर्थात जो ना तो वेदों का अध्ययन करते हैं ना पुराणों का अध्ययन करते हैं, वो केवल ईश्वर की निर्गुण भक्ति करते हैं, ऐसे लोगों का साथ पाकर उसने स्वर्ग जैसा स्थान प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर दो अर्थ आपको समझ में आ गए, पहला कर्ण के आभूषण के लिए है और दूसरा उन व्यक्तियों के लिए है जो वेदों का अध्ययन करके, पुराणों का अध्ययन करके भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। और वे लोग जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं, जो भगवान को सच्चे मन से ध्याते हैं, उन लोगों के साथ में रह करके उन्हें स्वर्ग जैसा स्थान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सघन कुंज छाया सुखद शीतल सुरभि समीर, मनो हुए जातु अजो वही उही जमुना के तीर। अब यहाँ पर एक नायिका अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, ये जो कुंज है, कुंज यानी ये जो वन है, ये सघन छाया सुखद, उस समय छाया देने वाले होते थे जब मेरे प्रियतम यहाँ आते। नायक के लिए कह रही है कि जब नायक यहाँ आता तब ये जो वन है, ये जो कुंज है, ये छाया देने वाले, जो सुखद छाया महसूस होती थी, शीतलता देने वाले होते थे, शीतल सुरभि समीर, और उस समय ये यहाँ पे जो हवाएं चलती थी वो भी बहुत शीतलता देने वाली होती थी, अच्छी लगने वाली होती थी। मनु हुए जातु अजो वही उही जमुना के तीर, और आज भी मुझे ऐसा ही लग रहा है मानो वो वापस जमुना के तीर पे आने पर वही शीतलता और वही मादकता मुझे प्राप्त हो रही था। तो उसने अपने प्रियतम के वहां होने का आभास हो रहा है। बच्चों यहाँ पर मनु शब्द आ रहा है, आपको मैंने बताया था जहां पर जनु मनु जानो मानो शब्द आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है बच्चों, ठीक है। जब आप विशेष लिखोगे तो आप वहां पर ये चीज ध्यान रखना कि कहां पर कौन सा अलंकार आ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट है सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। अगर आपने अलंकार वाला वीडियो अच्छी तरीके से देखा होगा तो आप किसी भी पद को या किसी भी काव्यांश को देखकर आराम से पता लगा सकते हो कि कौन से पद में कौन सा अलंकार है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे मनु बताया था, यहाँ पर भी देखो मनो शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब भी क्या है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। देखते हैं, सोहत ओढ़े पीत पटु, भगवान जो कृष्ण है उन्होंने पीले रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है, पीताम्बर धारण किया हुआ है, और उन्होंने पीले रंग के वस्त्र के अंदर उनका श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहा है मानो नीलमणि की शैल पर, नीलमणि की शैल के ऊपर सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पड़ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण की जो आभा है उसको नीलमणि के समान बताया है, और उन्होंने जो पीला वस्त्र पहन रखा है, पीताम्बर धारण कर रखा है, उसको सूर्य के पड़ने वाले प्रकाश के अनुसार बताया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कवि ने कहा है कि भगवान श्याम ने, भगवान कृष्ण ने पीले रंग का पट ओढ़ रखा है, पीले रंग का पीताम्बर पहन रखा है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो नीलमणि की शैल के ऊपर सुबह सुबह का जो रोशनी है वो पड़ी हो,
नेक्स्ट है, इही आस अटक्यो रह तू अली गुलाब के मूल, वे फेरी वसंत ऋतु इन डारनु वे फूल। यहाँ पर आशावादी व्यक्ति की जो निराशा में डूबा हुआ था और अब आने वाले समय में उसे आशा बंधी हुई है कि मेरे सुख के दिन आएंगे, ऐसे इस दोहे में इन्होंने वर्णन किया है। क्या बताया है कि इसी आस के अंदर वो अटका रहता है, यानी इसी आस में वो बैठा रहता है अली गुलाब के मूल, गुलाब के मूल के ऊपर, यानी गुलाब का फूल झड़ गया है, उसकी पत्तियां पूरी झड़ गई हैं, लेकिन फिर भी भौरा उस फूल उस मूल के ऊपर, यानी बची हुई जो डंडी है उसके ऊपर इस आशा में बैठा रहता है कि फिर वसंत ऋतु आएगी और इन डालों के ऊपर फूल खिलेंगे। तो यहाँ पर भंवरा किसका प्रतीक है? यहाँ पर निराशावादी जो व्यक्ति है वो आशाओं के सहारे बैठा हुआ है, उसके जीवन की जो आशा है वो अभी भी बंधी हुई है, और वो ये सोच रहा है कि मेरे जीवन के जो दुखी दिन है वो बीतेंगे और सुख के दिन मेरे अवश्य आएंगे। ठीक है बच्चों, ये जो थे बिहारी दास जी के, आपके जो चैप्टर है उसमें 20 दोहे हैं, जिनमें से 10 दोहे हमने पढ़ लिए, और आगे के 10 जो दोहे हैं वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।